पहाड़ों पर कुदरत का तांडव तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं मैदानों पर बस्ती मूसलाधार मुसीबत। जी हां, बिहार बाढ़ की मार से कराह रहा है। बिहार के कई जिले पानी में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। हालत यह है कि जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। गांव के गांव डूब गए हैं और लोग अपनी गृहस्थी लेकर जहां तहां गुजर करने के लिए मजबूर हैं। दरकती सड़कें, तैरती जिंदगी, घरों में सैलाब, कुदरत की मार, बिहार में बाढ़ से हाहाकार। डूब गए घर, डूब गए दफ्तर, डूब गए खेत और डूब गई उम्मीदें। मोतिहारी में पानी के प्रचंड प्रहार ने सिर्फ सड़क को नहीं तोड़ा है, यहाँ टूटी है एक गांव से दूसरे गांव जाने की आस, टूटा है सिस्टम, बह गए हैं इंतजाम और लाचार नजर आ रहे हैं इंसान। गंडक नदी अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है। कुदरत की मार ने गांव को सड़क किनारे टेंट पर लाकर पटक दिया है। घरों में सैलाब है, सड़क, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। लोग खाने को मोहताज हैं। मोतिहारी के करीब 50 गांव टापू में तब्दील हैं। सिर्फ उम्मीदों की नाव तैर रही है। जो सहारा है खुद को बचाने का, जो सहारा है अपनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का। मुजफ्फरपुर में जिस SDRF पर बाढ़ में लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, गंडक नदी ने उन्हीं के कैंप पर ही धावा बोल दिया। पूरा कैंप पानी पानी हो चुका है, जो खुद अब नाव के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। शहर की गलियां हो या शहर के हाईवे, घर हो या दफ्तर, सब पानी पानी है। क्या आम क्या खास, सब बस नाव के सहारे हैं। 10 दिन 15 दिन दिक्कत है, करे प्रशासन द्वारा कोई मदद दिया गया ना? कोई दिया, हमारा मदद नहीं दिया है। आने जाने का भाड़ा भी लगता होगा? भाड़ा लगता है, 10 रुपए एने से 10 आने से लगता है। परेशानी तो जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है, नहीं दीजिए तो डुबाइए देगा, क्या करेगा? प्रशासन के द्वारा मदद? कोई मदद नहीं है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का आलम यह है कि नाव पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। दरभंगा का भी हाल देखिए। जिन सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ती थी वहां आज नाव तैर रही है। घर डूब गए हैं, सड़कें डूब गई हैं, बस ये नाव ही सहारा है, जिसके किनारे किसी बंदरगाह की तरह नजर आते हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। 4 महीना इस क्षेत्र की जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है, बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। जिले बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता नदियों का कहर, जो खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, यहाँ दूर दूर तक पानी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। राहत शिविर सिस्टम की बदहाली की कहानी बता रहे हैं। सरकार से उम्मीद नहीं, बस कुदरत का कहर कम होने की आस के साथ लोग इन कैंपों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।